अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के अंदर हम बात करते हैं आज, वो है हमारा व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट होती क्या है, तो इस बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो वेबसाइट जो है वो होती है वेब पेजेस, आपके मल्टीपल जो वेब पेजेस होते हैं, तो इसको हम जो है कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है ना। कि मल्टीपल पेजेस के जो है कलेक्शन होती है, जो कि हमारी एक वेबसाइट बनती है, कंप्लीट वेबसाइट जो होती है। इसके एग्जांपल इस तरह दे देता हूँ, जैसे कि हमारा अबाउट पेज हो गया, सर्विस पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, होम पेज हो गया, ठीक है। अबाउट द आपकी प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये क्या है, मल्टीपल पेजेस हैं। जितने पेजेस होंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, वेबसाइट कहलाएगी। अब ये सब पेजेस होते कौन से हैं, तो आपके नेक्स्ट लाइन पे हम बात करते हैं। तो वो क्या है, अ वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है, ट्रिपल डब्ल्यू की बात हो रही है। ये ट्रिपल डब्ल्यू जो है आपके कहलाते हैं, यहाँ पर मैं माउस से दिखाऊँ तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या कहलाते हैं, आपका ट्रिपल डब्ल्यू कहलाते हैं। ये ट्रिपल डब्ल्यू वैसे ही हैं जैसे कि मैं गूगल क्रोम पर भी दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर ये है एड्रेस बार हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो नज़र आ रहा है इस वक्त, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये है ट्रिपल डब्ल्यू। तो ये आपके ट्रिपल डब्ल्यू जो हैं किसी भी डोमेन नेम से शुरू में आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये कहलाता है आपका ट्रिपल डब्ल्यू। अब बात करते हैं, चलें ये भी अब समझ में आ गया कि मल्टीपल पेजेस से एक वेबसाइट बन रही है, और वेब डॉक्यूमेंट क्या होता है आपका, वो होता है ट्रिपल डब्ल्यू, ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे, इसको लिखा कैसे जाएगा, या ये यूज़ कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो होता है, जो भी वेब पेज बनता है वो बनता है HTML पे या XHTML फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है। एवरी वेब पेज की जो है आपका वेब पेज इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक URL लिंक, ठीक है। तो ये URL लिंक की बात हो रही है, और हम जो है URL को हम आगे पढ़ लेंगे इसी वीडियो के अंदर, कि ये लिंक कौन सा होता है और ये लिंक कैसे बनता है, ठीक है। तो हर वेब पेज का जो है एक लिंक होता है, और वो लिंक यूनिक होना चाहिए, यानी कि हर किसी से चेंज, ये नहीं हो कि कोई और भी वही यूज़ कर रहा है पेज नेम और वही लिंक और आप भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सेम एज इट इज़ है कि जैसे कि हमारे घर के एड्रेसेस अलग अलग होते हैं, सेम एड्रेस नहीं हो सकता, वरना लोग आपके घर पर आएंगे या किसी और के घर पर आएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अगर वेबसाइट का URL एक ही हो गया, तो लोग आपकी वेबसाइट पर आने के बजाय हो सकता है वहाँ चले जाएं, या उस वेबसाइट के लोग आपकी वेबसाइट पर जाएं, तो इसीलिए ये यूनिक होता है, कभी भी सेम या सिमिलर नहीं हो सकता। लाइक daraz.pk, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे क्या होता है कि हम daraz.pk पे जाते हैं, तो सिर्फ वो daraz.pk पे ही उसी जगह पर जाना है, उसी ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाना है, daraz.pk की कोई और वेबसाइट नहीं है, ठीक। या google.com, वो क्या है, एक ही है, यूनिक है, यूनिवर्सल है, ठीक है, वो उसकी कोई डुप्लीकेट नहीं है। अगर होगी भी तो उसके अंदर नाम चेंज होगा, हो सकता है कि GOO की बजाय GOOLE कर दिया हो गूगल को, तो आपका वो भी यूनिक हुआ, वो भी चेंज हुआ, वो सेम सिमिलर नहीं हो सकता। तो ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जी आपका वेब पेज का जो है वो आइडेंटिफाई आपकी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो आपकी ये HTML में या XHTML फॉर्मेट के अंदर आपकी वेबसाइट बनी है, ये आपकी कहाँ नज़र आती है या कहाँ चलती है, कहाँ रन होती है, वो आपकी वेब ब्राउज़र के ऊपर चल रही होती है, ठीक है। अब वो वेब ब्राउज़र आपका कोई सा भी हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे आपका गूगल क्रोम हो, सफारी हो, व्हाट्सएवर, आप जो यूज़ करना चाहते हैं, इंटरनेट एज हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम इस स्लाइड के अंदर बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रिपल डब्ल्यू अभी मैंने बताया, तो ये है लैपटॉप एक छोटा सा दिखाया हुआ है, इसके अंदर भी ट्रिपल डब्ल्यू यूज़र है, और उसके अंदर आपको दिखाया गया कि मल्टीपल टाइप्स की आपकी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेबसाइट हमारी मल्टीपल हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाती है ई कॉमर्स, ठीक है, कि हम जो ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाते हैं, जैसे मैंने अभी दराज की वेबसाइट की आपको मैंने एक एग्जांपल दी, वो क्या है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, जहां आपकी शॉपिंग हो रही होती है, ठीक है, या शॉपिंग कार्ड होता है, या आपकी ऑनलाइन जिसे हम कहते हैं ना शॉप, तो आपकी वो ई कॉमर्स में आती है, ठीक है, ये एक टाइप है। इसी तरह से दूसरी बिजनेस वेबसाइट्स, यानी कि जो कॉर्पोरेट वेबसाइट्स होती हैं ऑफिस वगैरह की कॉमनली, तो ये आपकी उसमें आ जाती है। प्रॉफिटेबल वेबसाइट्स, जैसे कि हम बात करने के ब्लॉग वगैरह होते हैं, या कोई ऑनलाइन LMS वगैरह बना हुआ है जहाँ पर पेड कंटेंट भी कराएगा, ठीक है। या हम बात करें पोर्टफोलियो वेबसाइट की, तो हमारे पास पोर्टफोलियो भी वेबसाइट्स होती हैं, कि
आप अपनी एक पोर्टफोलियो बना के रखें, जैसे कि अब आप लोग वेब डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं, तो अब आपका जो है आपने पढ़ लिया, समझ लिया, सीख लिया, बट आप ये कैसे पता चलेगा कि आपने ये पढ़ा है या आपकी स्किल्स कैसी हैं? तो आप क्या करेंगे, यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे टाइम टू टाइम, और वो एक वेबसाइट के ऊपर या एक होस्टिंग डोमेन के ऊपर आप रखते जाएंगे। तो वो जो आप कलेक्शन ऑफ योर वर्क है, वो आपका क्या है, वो आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं या डिज़ाइन बना रहे हैं, आप वेबसाइट बना रहे हैं, वो आपका पोर्टफोलियो में आएगा, और वो आप एक साथ जमा करते रहेंगे तो वो पोर्टफोलियो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो जब भी हम बात करें इंटरव्यूज़ के लिए एज अ वेब डेवलपर या एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो हमसे सबसे पहले एक सवाल किया जाता है, वो होता है इंटरव्यू क्वेश्चन, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आप अपना पोर्टफोलियो लिंक दें। तो वो पोर्टफोलियो इसी को कहा जाता है, ताकि वो आपका काम देख के आपको जज कर सके कि आपका नेचर ऑफ वर्क किस लेवल पे है, ठीक है। इसी तरह से मीडिया वेबसाइट्स आ जाती हैं, मीडिया वेबसाइट्स कौन सी, लाइक यूट्यूब सबसे अच्छे एग्जाम्पल है, एजुकेशन वेबसाइट्स मैंने आपको बता दिए, नॉन प्रॉफिटेबल वेबसाइट आपकी जो है वो अलग आ जाती हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग वगैरह हो गई, या हम विकिपीडिया कह लें, तो विकिपीडिया क्या है आपकी, वो नॉन प्रॉफिटेबल है, और आपको उसके अंदर ना कहीं ऐड वगैरह नज़र आएगा, ना ही आपको इस तरह से कुछ और मिलेगा, ठीक है। तो वो नॉन प्रॉफिटेबल होती है, लाइक एनजीओज़ वगैरह की वेबसाइट्स हो गई, तो वो भी नॉन प्रॉफिटेबल में ही आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं आगे और टाइप्स की, तो क्या है, पोर्टल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप उसके अगर स्टूडेंट हैं तो आपको एक पोर्टल एड्रेस मिल जाता है, ठीक है, तो वो भी आपकी वेबसाइट में आते हैं, लाइक न्यूज़ की, ठीक है। इसी तरह से ब्लॉग की है, सोशल नेटवर्किंग है, लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी आ गई, तो बहुत सारी हमारे पास टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, इतनी सारी तो मैंने आपको बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग की। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग, होता क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बोला अपने बात के स्टार्टिंग के अंदर कि हम इसके अंदर यूनिक यूआरएल की बात कर रही थी मैंने, ठीक है। तो यूनिक यूआरएल क्या है, आपका डोमेन नेम होता है, जो कि हमेशा डिफरेंट होता है आपके दूसरों के नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ अ डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या है। तो जो ट्रिपल डब्ल्यू की बात हमने शुरू में की, बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने टॉपिक के, तो वो क्या था, वर्ल्ड वाइल्ड वेब, ये कहलाता है आपका सब डोमेन। और अब जो मैंने बात कही कि व्हाट इज़ अ डोमेन नेम, तो डोमेन नेम आपका ये होता है जहाँ पर आप लिखते हैं, जैसे कि लाइक दराज, दराज क्या है, आपका डोमेन नेम है। आप लिखते हैं google.com, तो गूगल क्या है, वो आपका डोमेन नेम है। इसी तरह से xyzabc जो भी है आपका नाम अपना, तो वो समझ लें कि .com या .pk, .uk या .co या whatsoever, डॉट से पहले का जो भी आप अपना नाम ले रहे हैं वो आपका डोमेन नेम है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आया आप लोगों के, तो मैं मज़ीद और आगे डिटेल में बढ़ा देता हूँ, यानी कि अब और डिटेल में देखते हैं। तो इसके अंदर क्लियरली जो है लिख के आगे मैंने फॉर वो दिखाया है कि www वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, डोमेन नेम आपका ये सेपरेट करके दिखा दिए, और डॉट के बाद जो है वो कॉम, ये आपका कहलाता है टॉप लेवल डोमेन। अब ये क्या होता है टॉप लेवल और लो लेवल या कुछ, तो जो आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि कौन से लेवल्स हैं, तो ये भी आगे जाके मैं बताऊंगा, तो ये बात आपको आगे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो .com जो है आपका टॉप लेवल डोमेन्स में आता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो ये देखें स्ट्रक्चर। अब URL आपने हमें हर बार लिखा होगा, हमेशा लिखा होगा, दसियों बार लिखा होगा, ठीक है। वेबसाइट्स पता नहीं कितनी अभी तक आप लोग खुल चुके होंगे, देख चुके होंगे, बट इतना गौर कोई भी नहीं करता। तो यहाँ पर देखें आपका जो URL बनता है वो पूरा का पूरा URL ये बनता है, कैसे बनता है, आपका HTTPS, ये क्या होता है आपका प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स की दूसरी वीडियो होगी, इसके बाद आएगी, और वो प्रोटोकॉल्स हम उसके अंदर पढ़ेंगे, सिर्फ HTTPS नहीं, बाकी और भी हम पढ़ेंगे, हमारे पास बहुत सारे फर्दर बहुत सारे वो होते हैं हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ गया प्रोटोकॉल्स के बाद सब डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर सब डोमेन वही है www जिसे मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वाइड वेब। फिर आपका क्या आ गया डोमेन नेम, डोमेन नेम के बाद स्लैश आ जाता है, और स्लैश के बाद जो है वो आपका पाथ आ जाता है या पेजेस के नाम आ जाते हैं, ठीक है, कि जी इस फोल्डर में जाके ये पेज या इस फोल्डर में जाके ये इमेज, तो ये आपका पाथ और पेजेस या पाथ और इमेजेस या पाथ ऑफ और कोई भी फाइल हो सकती है, आप वो यहाँ पर यूज़ करते हैं।
तो इस तरह से एक URL हमारा कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना कंप्लीट URL, वो ये होता है, सही है, कि जिसके अंदर आपका प्रोटोकॉल भी है, आपका सब डोमेन भी है, आपका डोमेन नेम भी है, आपका पेज या पाथ का भी लिंक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई इशू है? अगर है तो इसके अंदर अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वही है कि मैंने अब आपको ये क्लियरली अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि ट्रिपल W जो है वो आपका सब डोमेन है, ट्रिपल W आपका सब डोमेन है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ जो, जैसे हम देखते हैं ना कुछ जगहों पर कि जॉब्स या कैरियर्स डॉट और डोमेन नेम डॉट कॉम, ठीक है ना, ABC.com, तो क्या होता है वो कैरियर्स डॉट ABC.com जो एक वेबसाइट है, एक एग्जांपल के तौर पे ABC लिखा है, या कोई भी वेबसाइट हो सकती है, लाइक दराज भी हो सकता है। तो क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ दराज की, अच्छी एग्जांपल है यहाँ पर दराज, बहुत ज़बरदस्त है। वो क्या है कि हम लिखते हैं सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट PK, ठीक है ना। तो जो सेलर सेंटर है और फिर डॉट लगा, तो वो क्या है, सेलर सेंटर वो आपका सब डोमेन है, और मेन डोमेन क्या है, दराज। डॉट PK क्या है, आपका TLDA, यानी कि टॉप लेवल डोमेन। तो इस तरह से हमारा ब्रेकअप होता है। तो यहाँ पर भी हमने जो है अपने डोमेन लेवल को ब्रेकअप किया हुआ है, यानी कि डोमेन का जो URL है इसको। तो ये जो डॉट आए हैं शुरू में, ये सब डोमेन है। जैसे कि न्यूज़ हम यहाँ पर लिख दें, न्यूज़ डॉट ABC, news.ary, news.jio.tv या whatsoever, जो भी आपको लिखना है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपको वो मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका डोमेन नेम इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है अब इसको और पार्शली तोड़ के, यानी कि और ज़्यादा ब्रेकअप करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है HTTPS प्रोटोकॉल आ गया, ठीक है। फिर आपका जो है, जो भी आपको मैंने नाम बताया डॉट से पहले, वो क्या क्या आता है, सब डोमेन। यहाँ चाहे WWW लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, या आपको वो नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पे हमने ब्लॉग लिखा है, वहाँ पर आप न्यूज़ लिखा था, इसी तरह से आप कुछ भी कैरियर जॉब्स वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका नाम था वो था सेकेंड लेवल डोमेन, जो भी आपने अपना नाम है आपका, वो आप समझ लें कि आपका वो डोमेन नेम है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा SLD, यानी कि सेकेंड लेवल डोमेन, ठीक है। तो उसके बाद डॉट के बाद जो आपका लगता है वो आता है TLD, यानी कि टॉप लेवल डोमेन, ठीक। तो यहाँ तक डोमेन का ताल्लुक था, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक सो, URL किस तरह होता है, और फिर स्लैश पाथ आ जाता है। तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए जहाँ कोई कन्फ्यूजन आ रही है, ताकि मुझे आपके इन टच में रहूँ और आप उसको बता रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको और डिफाइन कर दिए इसी तरह से अलग अलग एग्जांपल्स के अंदर ब्रेकअप करके, ठीक। तो अब टॉप लेवल डोमेन की बात हो रही है, तो यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है आपको, उसके अंदर है टॉप लेवल डोमेन, यानी कि TLD के अंदर जितने भी आपके डोमेन नेम होते हैं, जैसे कि .com, .edu, .org और .online और शॉप वगैरह, वो सब आपके जो है वो टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। जैसे कि आपका .edu, .pk या .co, ये सारे के सारे आपके जो हैं वो सब टॉप लेवल डोमेन हैं। सेकेंड लेवल डोमेन के अंदर क्या होता है कि सेकेंड लेवल डोमेन आपका वो होता है, आपका जो नाम होता है जो आप रिजर्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम होता है यहाँ पर, जैसे कि मैं बात करता हूँ दराज की, या कंप्यूटर जोन वगैरह, या कोई सी भी आपको जो समझ में आए, या जो आपको याद हो फेसबुक वगैरह या google.com, तो वो जो गूगल है, फेसबुक है आपका, या दराज है, ये आपके वो डोमेन नेम है, या अलीबाबा है, ये जो नाम है ये आपके सेकेंड लेवल डोमेन कहलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है सब डोमेन। सब डोमेन के अंदर हो सकता है सपोर्ट आप दे रहे हों, हो सकता है इन्फो आप सपोर्ट आप दे रहे हों, कैरियर दे रहे हों, तो इस तरह से आपके पास वो आ जाता है। तो अब नीचे जो इसका रिजल्ट बनता है वो इन तीनों चीज़ों को मिला के, जैसे कि लाइक टॉप लेवल डोमेन, सेकेंड लेवल डोमेन, सब डोमेन, तो नीचे URL कंप्लीट आपको दिखाया कि सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट PK, तो आपका क्या है, सेलर सेंटर आपका सब डोमेन हो गया, आपका सेकेंड लेवल डोमेन क्या हो गया, दराज हो गया, और TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन आपका कौन सा हो गया, .pk हो गया। तो इस तरह से आपका जो है ये चार्ट बनता है, या इस तरह से आपका एक URL कंप्लीट बनता है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये आपका क्या था, यानी कि TLD था, टॉप लेवल डोमेन, जो कि यहाँ नज़र आ रहे। तो इस तरह से ये आपको दिखाए गए हैं, फर्स्ट यानी कि टॉप लेवल डोमेन, सेकेंड लेवल डोमेन और सब डोमेन।
अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ वेब होस्टिंग, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा शुरू में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड होस्टिंग, जब हमारे शुरू के अंदर बात हो रही थी तो उसमें क्या था, अभी हमने बात करी मुस्तकिल किसकी, डोमेन 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 यूआरएल कंप्लीट यूआरएल, हमने हर चीज़ की बात कर ली, यानी कि यूआरएल की भी बात कर ली है, डोमेन की भी बात कर ली है, होस्ट वो जो होती है आपकी सॉरी वेबसाइट, हमने वेबसाइट की बात कर ली कि वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट बनती किससे है, वेबसाइट की लैंग्वेज क्या होती है और वेबसाइट हम कहते हैं किसको हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सब हमने पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं होस्टिंग की। तो होस्टिंग क्या होती है सबसे बड़ा सवाल, तो होस्टिंग वो होती है, वो एक सर्वर होता है जो ऑनलाइन सर्वर है, ये सर्वर 24 आवर्स आपका ऑनलाइन रहता है, जिसे हम DNS सर्वर भी कहते हैं, ठीक। अब कोई भी बंदा लिखता है जैसे कि लाइक draz.pk, ठीक, या google.com, तो वो कहाँ जाता है, ये डोमेन नेम आपका रिडायरेक्ट होता है कहाँ पर, उस IP पे जो उस डोमेन नेम के पीछे छुपा हुआ होता है, नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। ये आप लिखेंगे yourdomain.com तो वो जाएगा इसके ऊपर, आप उस IP के ऊपर जो कि आपका क्या है, ये DNS सर्वर पे, ठीक है। और वो DNS सर्वर क्या करेगा, वो अब उस सर्वर के अंदर ढूंढेगा आपकी होस्टिंग के अंदर के जी आपकी वेब पेजेस कौन कौन से बने हुए, आपकी वेबसाइट बनी हुई किस चीज़ पे है, कौन सी लैंग्वेज पे बनी हुई है, या कौन कौन सी फाइलों पे बनी हुई है, या आप जो बंदा क्लिक करके खोल रहा है तो उसके पास रिजल्ट में कौन सा पेज नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो लाइक हम जब भी लिखते हैं कोई भी एग्जांपल के तौर पे जैसे कि draz.pk, तो वो क्या है, होम पेज लेके आ जाता है। इसी तरह से हम google.com लिखते हैं तो क्या होता है, होम पेज लेके आ जाता है, तो वो भी यहाँ पर भी यही काम हो रहा था, ठीक है। तो ये आपका DNS कहलाता है। होस्टिंग को हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे जब हम प्रोटोकॉल देख रहे होंगे, तो उस वक्त ये और जहन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो HTTP वगैरह और ये प्रोटोकॉल्स वगैरह नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर एक ये आपको इमेज के अंदर समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये एक तरह से समझ लें कि आपका सिस्टम है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये वो क्लाउड सर्वर है जो जिसके अंदर आपकी फाइलें रखी हुई हैं, जो आपने फाइलें अपने बनाई, लाइक होम पेज HTML का, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट, ठीक है। हम इन्हीं की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो क्या होता है, यहाँ पर बंदा आपका URL लिख के ब्राउज़र के ऊपर इंटर करता है, तो वो यहाँ से आया इसके अंदर जो कि क्लाउड है, क्लाउड के अंदर आपके सर्वर के अंदर गया, और सर्वर में से वो आपकी फाइलें लेके आपके पास नज़र आ जाता है। तो इस तरह से आपका वेब होस्टिंग काम करती है। तो आई होप सो आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा, और जब क्लियर हो गया है तो भी कमेंट करके बताएं कि हाँ जी कोई इशू नहीं है, सब समझ में आ रहा है, और अगर कहीं इशू है तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ इशू आ रहा है, ताकि उसका जवाब आपको मिल जाए, और जो कन्फ्यूज़न आपके जहन में पैदा हो रही है या कन्फ्यूज़न है या कन्फ्यूज़न हो गई है तो वो दूर की जा सके, ताकि आप सही चीज़ सही तरह से पढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।